लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर में पहली बार 1985 में महाराणा प्रताप की जयंती पर शौर्य यात्रा निकालने की शुरुआत करने वाले ठाकुर विजय सिंह परिहार का 75वां जन्मोत्सव आश्रम में सोमवार को मनाया गया। इस दौरान उन्होंने आरक्षण को लेकर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि आरक्षण गरीब तबके को मिले तो हमें खुशी मिलेगी। क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा करीब 30 साल पहले पहली बार गांधी हॉल से महुनाका स्थित महाराणा प्रताप प्रतिमा तक शौर्य यात्रा निकाली गई थी, जो कि पूरे प्रदेश में पहली शौर्य यात्रा थी। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की जयंती छुट्टी घोषित की थी। वह हमेशा से समाज उत्थान के कार्यों से जुड़े रहे, समाज को संगठित करने के लिए हमेशा से अहम भूमिका निभाते रहे और आज भी समाज उनके अनुभवों का भरपूर लाभ ले रहा है। आर्थिक आधारित आरक्षण के लिए हमेशा से अपनी आवाज बुलंद करने वाले परिहार दो बार जन जागरण रथ यात्रा में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। यह यात्राएं कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली तक निकाली गई थी। उनका मानना है कि देश को बचाना है तो जाति आधारित आरक्षण खत्म कर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार सभी समाजों में होते हैं। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 124 साल पुरानी संस्था है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक, पूरे देश का क्षत्रिय समाज इससे जुड़ा हुआ है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में हिंदुस्तान के सभी राजे महाराजे समय समय पर इसके अध्यक्ष रहे हैं और देश में एक ही संस्था ऐसी है जिसको पूरा देश जानता है और इसका मकसद जो है सारे देश के क्षत्रिय समाज को संगठित करना, समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको दूर करना, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना, ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मुख्य तौर पर मुद्दा है। और इसको लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरे देश में, चाहे दिल्ली हो, चाहे पांडुचेरी हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे पटना हो, चाहे झारखंड का जमशेदपुर हो, पूरे देश में हर वर्ष कहीं ना कहीं हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। इसी सिलसिले में आपको विदित होगा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने 2010 में और 2017 में एक राष्ट्रव्यापी दो रथ यात्राएं निकाली, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर, जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए 8.5 महीने की दो यात्राएं कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली निकाली गई। 70,000 किलोमीटर का सफ़र अंदाजन इन दोनों रथ यात्राओं में हमने तय किया और पूरे देश में एक जन आंदोलन के तौर पर जनता को जागृत किया कि जातिगत आरक्षण जो है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है और इसको समाप्त किया जाए, इसके स्थान पर आर्थिक आधार पर गरीब लोगों को आरक्षण दिया जाए ताकि पूरे देश का, समाज का और राष्ट्र का भला हो सके और जो देश के मजलूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको विकसित किया जा सके, हर तरीके से उनके फायदे के लिए कार्य किया जा सके। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से यहाँ की हमारी स्थानीय इकाई ने ये फैसला किया कि जो हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बहुत वर्षों तक मध्य प्रदेश के महासभा के अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय श्री विजय सिंह जी परिहार साहब का जो 75वां जन्मदिवस है उसको यहाँ पर मनाया जाए। हिंदुस्तान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर अगर सबसे पहले किसी ने मुद्दा उठाया तो महासभा ने उठाया। 2010 में जब हम यहाँ पर रथ यात्रा लेकर आए थे मध्य प्रदेश में, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग, पत्रकार लोग, वो हमारे से पूछते कि साहब ये आर्थिक आधार पर आरक्षण का मतलब क्या है। तो हमारी मांग पर सबसे पहले हमने शुरू किया है, पहले हरियाणा सरकार ने 10% आरक्षण दिया 2012 में आर्थिक आधार पर, और अब केंद्रीय सरकार ने हमारी मांग को मानते हुए 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की जो है घोषणा की है और ये इसको ही हमें खुशी है। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, हमारी लगातार निरंतर ये मांग है कि देश में जातिगत आरक्षण पूर्णतः समाप्त किया जाए और देश के गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। काफ़ी कम से कम 50 वर्षों
से समाज की सेवा में लगा हुआ हूँ। और जैसे अभी हमारे तंवर साहब ने बताया कि इसके कोई ना कोई राजा महाराजा अध्यक्ष रहे हैं, तो इसके अध्यक्ष थे हमारे पिपलोदा महाराज। तो पिपलोदा महाराज यहाँ मध्य प्रदेश के थे, तो उन्होंने इंदौर में उनका कोठी था, यहाँ पे राजमहल था, तो उन्होंने बोला कि अब मेरे से काम नहीं होता है, अब आप इसको काम को संभालें और मैं घर घर नहीं जा सकता हूँ। तो मैं जब अध्यक्ष बना उस समय युवा था, तो मेरे मन में एक चीज़ थी कि उस समय जैन समाज और अन्य समाज सड़क पर निकल के रैली निकालते थे, तो हमने राजपूत समाज भी रैली निकाले। तो हमने महाराणा प्रताप को आदर्श मान के और उनकी जयंती पे हमने एक शौर्य यात्रा का स्वरूप बनाकर और सारे इंदौर जिले के राजपूतों को इकट्ठा करके और सबसे प्रथम बार 84-85 में यहाँ से मतलब गांधी हाल से और महाराणा प्रताप प्रतिमा तक जो रथ यात्रा निकाली गई शौर्य यात्रा, उसमें काफ़ी संख्या में, यानी कि ये मान लें कि एक छोर हुआ था गांधी हाल में और एक छोर बम्बई बाजार में था, इतनी लंबी यात्रा थी जिसको पेपर वालों ने फ्रंट पेज पे आधे आधे पेज पे दिया कि राजपूतों ने महाराणा प्रताप पे ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाल कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। वो पेपर उस समय सब दूर जाता था मध्य प्रदेश में, भोपाल में मुख्यमंत्री थे हमारे अर्जुन सिंह जी, तो उन्होंने बिना हमारी मांग के और उन्होंने महाराणा प्रताप जयंती पे छुट्टी घोषित कर दी थी। शुरू से मैं संगठित करने के लिए लगा हूँ कि संगठित हो, और दूसरा मैं अभी जो देख रहा हूँ वर्तमान में हमारे राजपूत भाइयों में जो वेशभूषा और अन्य जो राजपूत समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जो प्रवृत्ति बनी है, वो तो हम जो चाह रहे थे वो तो हो गई है, पर जो हम चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा इसमें शिक्षा और दूसरा जो ये पाश्चात्य संस्कृति आ रही है इससे थोड़ा बच्चे थोड़ा दूर रह जाएं और पढ़ाई पे ध्यान दें, और वास्तव में खाली राजपूती वेशभूषा या उससे ही काम नहीं चलेगा, काम चलेगा जबकि हम कुछ ज़मीन पे करके बताएं। इसलिए उन लोग से मैं हमेशा प्रेरणा देता हूँ कि आप लोग अपनी राजपूती वेशभूषा सब चीज़ है बाकी जो फिजूल खर्ची आ गई, क्योंकि सब अब हमारे राजपूत भाई ग्रामीण क्षेत्र के शहर के सब पैसे वाले हो गए हैं, तो फिजूल खर्ची शादियों में आपके गाड़ी में उसमें अन्य उसमें खर्चा कर रहे हैं, उसको देख के मेरे को थोड़ा सा दुख होता है। मैं कहता हूँ इस पैसे को बचाओ भाई, इसको अपन बर्बाद मत करो, होड़ मत लगाओ इसमें कि शादी में सामने वाले ने करा तो हम भी ये करेंगे, मृत्यु भोज में उसने ये करा तो हम ये करेंगे। ये मैं थोड़ा सा उन लोगों को प्रेरणा देके, और कई लोगों ने इसको छोड़ना शुरू भी कर दिया कि भैया हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे। अभी कुछ लड़कों ने बिना दहेज की शादी भी करी है। हाँ, मेरे परिवार ने दान दी है 12,000 स्क्वायर फीट। ये किस जगह पे है? ये बॉम्बे अस्पताल जो वेलोसिटी अस्पताल वो सिनेमा हॉल है उसके सामने है, और अभी उसको उसका ट्रस्ट बनाया है। ये हमको जो प्रेरणा मिली है, ये प्रेरणा मिली थी एक अपने भदौरिया बच्ची का यहाँ पे मर्डर हुआ था, और उससे हुई कि भैया यहाँ पे बच्चों के लिए, राजपूत बच्चों के लिए कोई छात्रावास नहीं होने के कारण वो ऐसा कांड हुआ। पहले उसको आत्महत्या का बताया था, बाद में फिर वो हत्या का केस देना, आज वो लोग जेल में हैं। तभी ये अपने दशहरा मिलन प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम में तंवर साहब भी थे, सभी लोग थे। बोले आप इतने साल से काम कर रहे हो तो क्या समाज को क्या दिया? हमारे भाई लोग सब बैठे हुए थे, सब बोले कि अपन क्यों नहीं वो 12,000 स्क्वायर फीट ये जो जमीन है ये दे। किसको दी है जमीन और किस कार्य? ट्रस्ट को दी है। कौन सी ट्रस्ट को दी है? महाराणा प्रताप पारमार्थिक ट्रस्ट है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।